अगर आप गेम में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होगे तो ये बात आपको पता होगी कि इंडिया में बहुत से गेम आने वाली है, जैसे UGW, इंडस, स्कारफॉल 2.0, मुंबई गली एंड माया नगरी, और ये सभी गेम एकदम हाई लेवल ग्राफिक्स पर आने वाली हैं। अगर इन गेम्स के बारे में आपको अभी तक नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी गेम इंडिया में ही डेवलप हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि गेम कहीं और का है, केवल सर्वर इंडिया का है। ये गेम पूरी तरह से इंडियन है और इनमें से कुछ गेम्स का क्लोज बीटा भी आ गया है, जिनको आप डाउनलोड करके इजीली अपने मोबाइल फोन में खेल सकते हो। जैसे अभी UGW और इंडेस का क्लोज बीटा आया था, जो कि कुछ लिमिटेड लोगों को मिला और थोड़ा बहुत iOS यूजर को। अगर यहीं पर बात करें स्कारफॉल 2.0 की, तो ये गेम भी अभी अपने स्टूडियो में डेवलप हो रहा है, लेकिन अगर आप इस गेम को डाउनलोड करके खेलना चाहते हो तो इसका डाउनलोड एक्सेस इजीली मिल जाता है। कैसे आपको इस गेम को डाउनलोड करके खेलना है, यह वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोग इस गेम को टेस्ट करना चाहते हो डाउनलोड करके अपने मोबाइल फोन में, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, वहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करोगे तो एक वीडियो प्ले होगा जिसमें मैं डिटेल में बताया हूँ कि इस गेम को कैसे डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर पाओगे आप अपने मोबाइल फोन में। और इन सभी गेम्स की बात करें तो ये सभी गेम्स फॉरेन कंट्री से इंस्पायर है, जैसे PUBG, BGMI, फ्री फायर और GTA 5। अगर ये गेम इस साल पूरी तरह से लॉन्च हो जाती है तो गेम का साइज कम से कम कितना MB या कितना GB रहेगा? क्या इन गेम्स पर PUBG और फ्री फायर जितना क्रेज देखने को मिलेगा? क्या इन गेम्स को हम अपने कम रैम वाले फोन में भी खेल सकते हैं? क्या ये सभी गेम बैटल रॉयल गेम होने वाले हैं? और कब तक इन गेम का पूरी तरह से डाउनलोड एक्सेस मिलने वाला है पब्लिकली? तो इन सभी का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो देखो, अगर बात करें कि गेम का साइज कितना होने वाला है, तो ये सभी गेम 1 GB से ऊपर हमें देखने को मिलने वाले। अगर आप लोग इन गेम्स को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पर ही कम से कम 1 GB से ज्यादा डाटा आपको देना पड़ेगा। जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मुझे स्कारफॉल 2.0 का डाउनलोड एक्सेस मिल चुका है और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये प्ले स्टोर पर ले जाता है और आप यहां इसका साइज देख सकते हो जो कि 1 GB दिखा रहा है और ये गेम अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। तो आप लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि कंप्लीट डेवलप होने के बाद गेम कितने MB या कितने GB में देखने को मिलने वाली है। और UGW गेम का ग्राफिक देख के तो ऐसा लगता है कि ये गेम 2 GB से ऊपर होने वाला है। तो इस चीज के लिए मैं इन कंपनियों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि जितना ध्यान आप लोग एक गेम डेवलप करने में लगा रहे हो, उतना ही ध्यान आप लोग लो एंड डिवाइस के लिए दें, तो इसमें आप सबका ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो गेम हर फोन में इजीली चल जाएगा उसी गेम को तो लोग सबसे ज्यादा डाउनलोड करेंगे। अगर यहीं पर VGMI और फ्री फायर का कंपेयर करें इन गेम के मुकाबले, तो इस हिसाब से ये दोनों गेम अपने ग्राफिक के मामले में बहुत ही कम MB में देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी आप इन दोनों गेम को प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने जाओगे तो वहां पर आपको 1 GB से कम MB देना पड़ेगा। बट हाँ, अगर आप गेम डाउनलोड करने के बाद उसका स्किन और रिसोर्सेस फाइल डाउनलोड करते हो तो ऐसे में आपको ज्यादा MB देना पड़ेगा। और इन गेम को लेकर हम 2017, 18 और 19 वाला क्रेज को देखें तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये गेम 4G के टाइम पर आया होता तो बात कुछ और होता। जैसा कि जब कोरोना काल में PUBG गेम पहली बार बैन हुआ था, तभी इंडिया की तरफ से एक गेम अनाउंस हुआ जिसका नाम था 4G। बट जब तक वो गेम आया नहीं था तब तक हम लोग कुछ और ही सपने देख रहे थे, लेकिन जैसे ही गेम मार्केट में आया और हम लोगों ने उसे अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किया तो उस गेम का गेम प्ले देखकर हमारा सारा सपना टूट गया, क्योंकि हम लोग PUBG और 4G गेम को एक ही अंदाज से देख रहे थे वो गेम आने से पहले। बट अभी के टाइम पर बात करें तो बहुत सी बैटल रॉयल गेम प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर आ चुकी हैं, जैसे कि फारलाइट 84, बैटल प्राइम, न्यू स्टेट और ऐसे ढेर सारी गेम आ चुकी हैं। अगर आप इन सभी गेम को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करो, क्योंकि उस वीडियो में मैं इन सब गेम के बारे में एकदम डिटेल में बताया हूँ। और अगर बात करें कि क्या ये सभी गेम एक बैटल रॉयल गेम होने वाली है, इनमें से मेरे देखने में 3 गेम बैटल रॉयल हैं, जैसे UGW, इंडस और स्कारफॉल 2.0, माया नगरी और मुंबई गली
ये दोनों गेम ओपन वर्ल्ड गेम हैं। इन दोनों गेम को आप GTA 5 की तरह खेल सकते हैं। इनमें से एक गेम पीसी प्लेयर के लिए है एंड दूसरा गेम मोबाइल फोन प्लेयर के लिए है। अगर बात करें कि ये गेम कब तक अवेलेबल हो जाएगा सभी को खेलने के लिए, तो हो सकता है इस साल के मिड या एंड तक हमें डाउनलोड एक्सेस देखने को मिल जाए। और अगर इन गेम्स के डेवलपर को ऐसा लगता है कि गेम को अभी भी पूरी तरह से पब्लिक करने के लायक नहीं है, तो कुछ डिले भी देखने को मिल सकता है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।